ब्रोकन एसएमपी पार्ट वन। तो यार कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें हम लोग भाई फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे हैं एसएमपी, वो भी जिस एसएमपी का नाम है ब्रोकन एसएमपी। तो ये है पार्ट वन, और पार्ट टू भाई आप लोग कमेंट में जरूर से बताना, जरूर से जरूर आने वाला, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है भाई। ये ठोक दिया मेरे को, वाह भाई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, अभी इंट्रो कंप्लीट हो चुका है। तो यार शुरू करते हैं, हमने स्टार्ट किया हमने पहले अपने जो हम लोग काम करते हैं यार, अपना ओल्ड काम ऐसे तो नहीं होता है, उसी को हमने स्टार्ट किया भाई। और सबसे पहले स्टार्ट किया हमने अपने ट्री तोड़ा भाई, जल्दी जल्दी ट्री तोड़ने के बाद हमने क्या किया भाई, हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यार हमने वुड तोड़ ली खूब सारी, उसके बाद हमने क्या किया सीधा से हमने बनाया उसको कन्वर्ट किया प्लैंक में, उसके बाद हमने बनाई खूब सारी स्टिक, उसके बाद हमने एक बनाई भाई क्राफ्टिंग टेबल। इसमें अरे भाई ये प्रेशर प्लेट नहीं बननी चाहिए भाई, फिर से हमने ट्राई किया तो थोड़ा सा लैग हो गया था एसएमपी में, तो हमने भाई गलती से दो बार, वाह भाई दो क्राफ्टिंग टेबल बना दी, क्या सीन हो रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बांट देंगे कहीं। तो हमने जल्दी से अपने टूल्स को अपग्रेड कर लिया है, फिर हमने अपने क्योंकि हमारे पास एक हाथी था जिससे हम मारपीट कर सकते, तो यार हमने इस पे अच्छा टूल्स को अपग्रेड कर लिया भाई। इनने भी हमसे पहले स्टोने ले ली, इनसे पहले अब मेरे को अपने टूल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यार स्टोन तोड़े, जल्दी जल्दी स्टोन तोड़ने के बाद हमने अपने आइटम्स को अपग्रेड कर लिया यार, उसके बाद हम चले गए केव को ढूंढने। ठीक है समरिया। तो यार जिस केव को मैं देख के भाग गया, क्योंकि भाई इस केव में बहुत सारे मॉब देखने में लग रहे थे यार, तो मैं वापस भागा, और ये जो अनिकेत था भाई वो तो अलग ही लेवल का अंदर ही घुसा जा रहा था केव में। तो भाई मैं सबसे पहले बाहर आके मैंने वो तोड़ ली, तो यार हमने उसको तोड़ने के बाद भाई हम चलते हैं कहीं और एक जगह ढूंढने यार, क्योंकि गेमर अखनीजा जो थे वो तो गायब भी हो चुके थे, उन्हें भी ढूंढने चलना था यार। तो ये देख सकते हो भाई उन्होंने तो भाई क्या ही अपग्रेड कर लिया, वाह भाई बहुत तेज हो रहे हैं। तो भाई हमने थोड़ा सोचा कि यहाँ पे आसपास कहीं होंगे वो, तो यार यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे आर पार भाई खुला ही था। तो हमने बैक आने के बाद हम लोग गए तो फिर से ढूंढने, तो यार ये आ चुका था मेरे सामने। तो यार भाई कुछ मिला, कुछ कुछ तरीका है भीख मांगने का, नहीं मिला भाई, खाली आता गया। तो यार हमने दौड़ के गए यार यहाँ से, मैंने जम मारी जल्दी जल्दी भाई यहाँ से भागा, क्योंकि हम लोग भाई चाहिए थी शीप, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई भी कुछ आइटम्स ही नहीं थे यार भाई, शीप तक नहीं मिली थी यार, सोच सकते हो कि शीप भाई एक शीप नहीं मिली थी यार। फिर से हम इसी केव में टपक गए थे भाई, भाई मजा आया। फिर हमें निकलना था भाई जल्दी से, अनिकेत के पीछे चलते भाई, क्योंकि यही हमें भाई ये कहाँ जा रहा है भाई, ये अलग ही मारपीट करके गया नीचे भाई, इसको देखना भी डैमेज पड़ेगा, खुद ही भाग के आएगा भाई, भागा है मैं क्यों जा रहा हूँ भाई, मैं भी सोचा कि मैं चलता हूँ। तो यार पहले मैंने अंधेरे को देखा भाई, मैंने देखा कि मेरे पास तो कोई आर्मर भी नहीं था मैं, इसलिए मैंने कहा भाग लेते हैं यहाँ से, क्या फ़ायदा पहले एसएमपी के डे में भाई कूट दिया जाए, वो भी ज़ॉम्बीज के आते हैं यार, इससे अच्छा हम चलते हैं वापस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो यार सबसे पहले हम अनिकेत का पीछा करने वाले, क्योंकि भाई गेमर नीरज को भी फाइंड करना है, वो अकेले ही मस्त मगन है। तो यार देख सकते हो कि हमने यार थोड़ा सा जल्दी जल्दी आई, फिर मैं वुड तोड़ने लगा भाई, मैं वुड तोड़ते भाई थक नहीं पाया, बट तब भी मैंने वुड तोड़ी, क्योंकि वुड की आई हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली थी आगे। तो यार देख सकते हो हमने वुड तोड़ ली खूब सारी, फिर उसके बाद हम भाई इसमें भाई देखे, इसमें हमें एक दिखने वाली थी भाई बड़ी सी भाई केव, जो कि बहुत ही ओपी लगी। तो भाई मेरे को लगा सबसे पहले मेरे को डैमेज ना पड़ जाए, इसलिए मैंने अपनी भागने की कोशिश की, पीछे भागा, फिर देखा मैंने कहा भाई चलो इसी के पीछे चलते हैं। तो यार देख सकते हैं कि वो निकला, तो भाई भाई मैंने भी कहा मैं भी चल रहा हूँ उस केव में, क्योंकि इस केव में हमें आइटम मिलने वाले। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो भाई यहाँ पे जैसे ही मैं आया भाई, मेरे को भी यहाँ पे गेमर नीरज दिखे भाई, वो तो अलग ही लेवल का खेल रहे थे उधर भाई, अलग ही अकेले भाई वहाँ पे सब कुछ तोड़े जा रहे थे, और हम लोग को कुछ बताया भी नहीं भाई। तो यार मैं भी इनके पीछे पीछे जाने की कोशिश में लग गया कि मैं भी जा रहा हूँ भाई कुछ लेने। तो यार मैं जल्दी जल्दी से कूद के गया यहाँ पे, पहले एक वुड लगाई भाई जल्दी जल्दी मैंने, यहाँ पे कूद के गया और यहाँ पे भाई सीधा मैं चढ़ गया अपने डर्ट तोड़ने भाई, और ये अनिकेत टपक गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया भाई सीधा वहां से कूद गया, अलग ही लेवल का बंदा है भाई, इतना पिरोनेस कहां से आती भाई।
तो यार मैं धीमे धीमे आराम आराम से गया क्योंकि भाई मेरे पास फूड भी नहीं था और हेल्थ भी नहीं थी, तो यार मेरे को दोनों सेव करके रखना था। तो यार मैं पहले इनके पास गया तो देखते हैं यार यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यार यहाँ पे मैं कूद के गया तो यार ये देखो उधर ही भाग गया। मुझे क्या भाई, वो तो अपना अलग ही भागे तो भागते रहेंगे भाई, ये इनके पास में आता हूँ तो यार मैं भी देखने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या देख रहे। तो भाई ये भी अंधेरा देख के ये भी भागने की कोशिश में, क्योंकि भाई अंधेरे तो मेरे को भी डर लगता है। तो यार ये जहाँ जहाँ जा रहे थे मैंने सोचा इनके पीछे चलते भाई कुछ अच्छी लूट मिल। तो यार मैं इनके पीछे जाने की कोशिश में था, यार ये गए तो मैं भी कूद के इनके पीछे ही पीछे जाने लगा। तो यार देख सकते हो कि तब भाई ये सेशन भी बहुत मजा आने रहा था भाई। मैंने इसको बहुत लंबी वीडियो रिकॉर्ड की बट इसको कट करना था तो यार मैंने बहुत छोटे में कट के। तो पहले भाई मैंने स्केलेटन को देखा, स्केलेटन देख के मेरी पट्टी और मैं वापस आने की कोशिश में था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा लूट लेते हैं यार, कॉपर ही सस्ता आइटम ही है तो लूटने में क्या दिक्कत है यार, जो फ्री का मिल रहा है हम लूट लेते हैं। तो यार ये देख सकते हो ये स्टोन ही लूटे पड़े हैं। तो भाई यहाँ पे हम चढ़े हैं और जल्दी जल्दी चढ़ने के बाद भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं वापस। भाई इनने तो अरे वाह इसने आयरन ले लिया, इसको लोग मार के आते हैं। तो भाई मजा आया भाई, देख सकते हो कि हमने पूरी प्लानिंग बना के रखी कि इसको जैसे ही आयरन मिलेगा हम इसको निपटा देंगे। तो यार देख सकते हो कितनी तेजी में भाग के मैं गया इसके पास। और यार देख सकते हो कि क्या आयरन बढ़िया आराम से आयरन स्मेल्ट कर रहा है, ज़ॉम्बी आके कूट देगा इसको। तो यार ये मैंने प्लानिंग मारने की इसको नहीं बनाई थी, बट क्या बताया यार इसने, मैंने इसको बस देखा कि भाई कितने आयरन मिले तो यार भाई इसने मेरे को कूट दिया। और भाई मैंने इसको बस दो पिकैक्स मारी, मे भी इसके पास बहुत हेल्थ कम थी यार, भाई मैंने इसको दो पिकैक्स मारी, दो तीन पिकैक्स भाई निपट गया। अब भाई एडवांसमेंट मेरे पास आ गई। तो यार मैं देख के डर गया कि भाई रिवेंज तो बक्का लेगा ये। तो भाई मैं तुरंत भागने की कोशिश में था कि निकल लेते हैं भाई, नहीं तो आगे चलेंगे तो आगे मॉब है, पीछे नहीं चाहेंगे तो भाई वो पक्का बहुत मारने वाला है। तो यार देख सकते हो कि मैंने पहले वहाँ पे भाई चढ़ाई की खूब सारी, यार मैं फिर भागने की कोशिश में था यार। जैसे ही मैंने को देखा कि यार यहाँ पहुँचने के बाद मैंने तुरंत ही इतना, क्योंकि वो रिवेंज लेने आ ही रहा था कि और उसका सामान मेरे को देना जरूरी था, क्योंकि यार भाई क्या दिक्कत, छोटा सा है तो है यार उसके लिए मैं सामान दे सकता हूँ। तो देख सकते हो कि मैंने पहले अपनी एक चेस्ट बनाई अच्छी सी। तो यार चेस्ट बनाने के बाद हम लोग देखो उसमें सामान रखेंगे यार, क्योंकि हमने हमारे पास बहुत हेल्थ कम थी यार। तो देख सकते हो कि यहाँ पे हमने अपनी चेस्ट रखी और उसके अंदर सारे सामान रख दिए। तो यार यहाँ पे मैंने आयरन उसका जितना सारा सामान था मैंने सारे उसके सामान रख दिए, क्योंकि भाई वो मारे मेरे को बहुत मारने वाला था, क्योंकि भाई ने उसके बहुत बड़ा स्कैम कर दिया था यार, उसका आयरन ले लिया था। तो यार देख सकते हो कि मैंने आयरन ले ली भाई, मेरे पास HP भी बने यार। तो यार यही था जो मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट हाईलाइट में, यहाँ पे मैं फंसा हुआ। तो यार इस एपिसोड को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीजन में भाई, नेक्स्ट एपिसोड इसका आने वाला है, 1 वीक के अंदर आ ही जरूर जाएगा यार। तो देख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमने फंसे रहे यार भाई मिनिमम भाई 10 मिनट तक मैं यहाँ फंसा रहा भाई, कोई नहीं बचाने आया यार, सब बाहर ज़ॉम्बी से कूटे जा रहे थे और अकेला यहाँ मैं बचा हुआ था। तो यार आई होप ये वाली वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत मस्त होगा।